एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं उर्फी जावेद इंस्टाग्राम रील्स आर वर्स्ट देन अंजलि अरोरा कच्चा बादाम। सो यार दिस वीडियो इज बाय केडी लाइव। तो आप सब लोगों को पता ही होगा तो उर्फी जावेद कौन है आजकल, मतलब इंस्टा पे उनके कपड़ों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं बेसिकली। सो एंड ये वाला वीडियो मतलब केडी ने बनाया है, सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। दोस्तों क्या चल रहा है यार। देखो बॉलीवुड में ना लोग समय के साथ एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। जैसे पहले जॉनी लीवर अच्छी कॉमेडी करता था, फिर राजपाल यादव ने उसकी जगह ले ली। पहले अमिताभ बच्चन का राज था, फिर शाहरुख सलमान और आमिर ने उसकी जगह ले ली। अच्छा उसी तरह राखी सावंत की जगह लेने के लिए बॉलीवुड में एक लड़की आ चुकी है, उर्फी जावेद। तो यार देखो उर्फी पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिस पर तुमने भर भर के प्यार दिया, लेकिन मैडम के कांड इतने हैं कि मेरे को दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो वैलेंटाइन के अगले दिन उर्फी मैडम मीडिया में आई कुछ ऐसे कपड़ों के साथ। अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं, बकवास। ओ भाई साहब, मतलब स्पाइडर मैन ने कितनी बार सोचा था कि ऐसा डिजाइन बना, दर्जी भी इसके कपड़े देखकर बोलेगा अम्मा मिया अम्मा खाला एक कर दिया इस लड़की ने तो। पक्का यार, मतलब लड़के भी इसके कपड़े देखकर दूर भाग जाएंगे। स्कूल में लड़के मुझसे दूर भागते थे यार, no one was interested in me, I don't know why. नहीं पता यार, मतलब ये वैलेंटाइन में कर क्या रही थी। मैं घर पे वाइन पी रही थी, I finished two bottles. अच्छा अभी समझ आया कि ये हर जगह लड़खड़ाती क्यों है। इसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है ना कि इसने विकराल गबराल के कोट को फाड़ कर अपना ड्रेस बना लिया। अरे मैडम सॉरी, साड़ी तो ठीक है लेकिन शायद इसके साथ ब्लाउज भी पहनना होता है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। आई थिंक अब ब्लाउज का जमाना नहीं रहा। चौबीस साल की हो गई है लेकिन अभी तक इसको साड़ी पहनना नहीं आया। इससे अच्छी साड़ी तो हमारा प्यारा कुत्ता पहनता है। अब ऐसे नहीं कि मैडम हमेशा ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहनती है, नो मैडम कभी कभी ऐसे कपड़े बनाने का DIY ट्यूटोरियल भी देती है। और सिर्फ कपड़ों के लाइफ हैक्स नहीं, मैडम कभी कभी फूड्स के भी लाइफ हैक्स बताती है, जैसे कि बनाना कैसे खाए। ओ भाई साहब, तो समझ आया कि हर बार क्यों लड़के से दूर भागते हैं। स्कूल में मुझे आज तक किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया है। कैसे करेगा मैडम, ऐसी आफत को लोग सिर्फ टेम्पररी झेल सकते हैं, परमानेंट नहीं। मैडम को इन्फ्लुएंसर बनना है, लाइफ हैक वाला यूट्यूबर बनना है, जादूगर बनना है। ओहो आइला जादू, घंटा का जादू। वीडियो का फ्रेम पाउज करके धागे से पैसा लटका दिया और मैडम को लग रहा है जादू। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दे। इसीलिए कहता हूँ 10वीं तक पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं 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 कॉलेज भी जाना चाहिए। मैं कॉलेज ही नहीं गई। ओके बाय द वे, न्यूज के अकॉर्डिंग उर्फी की फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। उर्फी की फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। सही तो है, उसकी IQ खराब और तुम्हारा फैशन सेंस। वो अपने डमनेस की वजह से ट्रोल होती है। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ क्या नहीं, बिलियनर। बिलियनर। और तुम अपने फैशन सेंस की वजह से। अरे अरे साले तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। अब कुछ महान इंसान इसको भी फैशन बोलेंगे यार, मतलब ऐसा भी क्या फैशन कि इंसान अपने पैर आगे ना बढ़ा पाए। वही तो, मैं वही सोच रही। इतने सारे पैसे जो कमाती है, 50,000 एक एपिसोड के, एक एपिसोड के लगभग 50,000-60,000 रुपए चार्ज करती है। एक्चुअली मेरे को लगता है ना कि उर्फी मैडम भी वही प्रॉब्लम फेस करती है जो मैं करता हूँ। मैं भी कल गया था अपने नल्ले दोस्त के साथ शॉपिंग करने। भाई जो चीज मेरे को पसंद आ रही है उसकी प्राइस ज्यादा, जो मेरे बजट में है
उसकी क्वालिटी खराब। ऐसे में मेरी सिस्टर ने कहा कि अगर लो प्राइस में हाई क्वालिटी चाहिए तो भाई मीशो सबसे बेस्ट है, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और यहां मेंस की टी शर्ट स्टार्ट होती है सिर्फ 199 रुपीस से। मीशो पर क्वालिटी और प्राइस बाकी ऐप के कंपैरिजन में काफी अच्छी और काफी सस्ती है। यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल है और इनके मेंस फैशन के तो भाई क्या कहने, वॉच, वॉलेट, बेल्ट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब 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 मिल जाएगा। मैंने भी मीशो से टी शर्ट और जींस ऑर्डर किया जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा और बजट के हिसाब से क्वालिटी भी काफी हाई थी। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड करो ताकि तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज का डिस्काउंट और फ्लैट 30% ऑफ मिल सके। बाकी कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग और इजी रिटर्न पॉलिसी तो है ही। चलो चलो चलो। वैसे उर्फी मैडम ये बताओ, लोग तुम्हें ट्रोल क्यों करते हैं? सूट भी पहनती हूँ, दे टॉक शिट अबाउट मी, सो व्हाई नॉट आई गिव देम शिट टू टॉक अबाउट, राइट? मैं उनका काम आसान करना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैडम झूठ बोल रही है। एक्चुअली मैडम को लाइमलाइट में रहने का शौक है, राखी सावंत जो बनना है। गो करुणा गो, गो 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 करुणा गो। ना ना ना, मैं मैडम का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को एक रिसेंट पोस्ट मिला। शर्ट को उल्टा पहनकर मैडम फैशन दिखा रही है। एक्चुअली मैडम की फैंटेसी है हर चीज को उल्टा पहनने की। कभी शर्ट उल्टा पहनती है, कभी ब्लाउज। अरे इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। अचलना तू बॉम्बे, अम्मा से मिलाना है, हाथ से खिलाना है। अचलना तू बॉम्बे। अरे मैडम मैडम, आपके कपड़े कंधे की तरफ से फटे हैं। एक काम करो, यहाँ पर नीचे में बाबूराम दर्जी का नंबर है, जाकर सिलवा लो, एकदम मस्त दर्जी है, उसका तो भाई स्लोगन भी है, इंसान उड़ती पतंग को ढील देते हैं, फटे हुए कपड़े सील देते हैं। और इसने जिस तरह से मौजे पहने हैं, मेरे को किसी की याद आ रही है। किसकी? इसकी। वो सब तो ठीक है, बट आई थिंक वो ब्रा अंदर से पहना जाता है। देश संकट में है। Like even if we go out for 1 minute and then we come back, we're like shit, गले में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो सबके साथ होता है मैडम, पर कोई भी तुम्हारी तरह अजीबोगरीब कपड़े पहन के, इतना सारा मेकअप करके, रिंग लाइट के सामने आकर ऐसे वीडियो नहीं बनाता। कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? तुम्हें कोरोना हो भी नहीं सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 2 सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और तुम कोरोना से कम थोड़े हो। यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बाय द वे, उर्फी जावेद को बताओ, अभी अभी मेरे को पता चला कि टोनी कक्कर का नया नवेला सॉन्ग आया। दुनिया में सारी चीजें समय के साथ चेंज होती रहती है, बट टोनी कक्कर इन हिज एवरेज सॉन्ग। टोनी कक्कर एक गाने को बनाने में सिर्फ 1 महीना लेता है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर सेम गाने को बनाने में 1 साल ले तब भी गाना बकवास बनेगा। कौन सी चुनरी? कहाँ की चुनरी? पूरे वीडियो में कहीं चुनरी नहीं है। मतलब यार टोनी कक्कर का ना यही हिसाब है, इनके कुर्ता पजामे में कुर्ता पजामा नहीं होता, चुनरी में चुनरी नहीं होती। काश टोनी के गाने में टोनी भी ना हो। गाने में बंदे पे 4-5 लोग स्ट्रेट गोली मार रहे हैं, लेकिन बंदे को फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लगभग 10 गाड़ियां ओपन रूफ वाली गाड़ी पे लगातार गोली बरसा रहे हैं, लेकिन ना गाड़ी को कुछ हो रहा है और ना ही बंदे को। वाह बहुत बढ़िया। और एक यहाँ पर रोहित शेट्टी की फिल्म की गाड़ी पे एक गोली लगी कि नहीं, गाड़ी ब्लास्ट। देखो टोनी कक्कर भले ही नेहा कक्कर का भाई हो, हर महीने गाना निकालता हो, लेकिन फिर भी नंबर 1 सिंगर तो अरिजीत सिंह रहेगा, क्योंकि ही हैज टैलेंट। और आज जमाना बदल गया है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यू मैन, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, पर अल्ताफ राजा का बेटा तो राजा बन सकता है ना। तो चलो यार, दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करो, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताओ, मीशो ऐप पर जाकर शॉपिंग करो। सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो यार? मतलब इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ओके, तो लाइट चली गई जैसे कि आप लोग देख सकते हो।
But too, we will be like going on. मेरा चेहरा दिख रहा है, that's enough for that. But like आगे आगे मतलब let exposure control. हाँ तो यार सुबह से ऐसे मेरा light जा रहा है आ रहा है, मतलब ऐसे एक दो second के लिए, मेरे को नहीं पता क्यों, but it is happening है ना, मतलब हो रहा है वो सब कुछ. लेकिन talking about उर्फी शाहिद, like when मतलब वो ऐसे jeans वाला कुछ जैसे कपड़े पहन के आई थी, I was like क्या, एक्सक्यूज मी वर्ड, मुझे समझ में नहीं आया मुझे, मतलब कैसे क्या, मतलब पैर मतलब डालते वक्त मतलब पैर आप कैसे डाल रहे हो, लाइक इन साइड दैट थिंग आई जस्ट डोंट नो. बट यार सीरियसली ऐसे ऐसे वाले व्हाट वी कैन से बीच बीच में जोक्स मारा है ना यहाँ पे केडी ने, तो मजा आ गया. सो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट. थैंक यू.